गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ, चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एक्सरसाइज 13.4। अभी तक 13.1 से 13.3 तक अभी हमने सरफेस एरिया ही फाइंड किए हैं, वॉल्यूम पर अभी हम नहीं आए। अलग अलग शेप है ना, हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के बारे में अभी तक जाना है, आर और कोन के बारे में, कोन भी पढ़ लिया हमने, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेयर। स्फेयर मींस एक बॉल, द शेप ऑफ अर्थ इज आल्सो स्फेयर, है ना। अर्थ का जो मॉडल हम बताते हैं, ग्लोब देखते हैं, इट इज स्फेयर, ठीक है। स्फेयर समझ गए आप, उभरा हुआ थ्री डायमेंशनल शेप, जबकि फ्लैट सर्कुलर पार्ट को अपन सर्कल कहते हैं, ये स्फेयर थ्री डायमेंशनल शेप। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4πr². तो ये हमको फार्मूला यूज करना है, केवल हमें r मालूम होगा तो हम पूरा सम फाइंड कर लेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर वाले क्वेश्चन में लेंथ, ब्रीथ, हाइट नहीं होती, केवल और केवल रेडियस होता है, ओके। एंड आई एम ड्रॉइंग द शेप ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये तो फ्लैट बनाया हमने, तो ये क्या दिखेगा आपको, सर्कल दिखेगा, तो स्फीयर कैसे दिखेगा। इसके लिए हम इसमें एक बॉल का शेप बनाएंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये एक स्फीयर है ना। ये शेप आप जानते हैं, ये क्रिकेट की बॉल जैसा लगता है ना, तो ये स्फीयर, अब आपको समझ में आ गया कि स्फीयर क्या राइट है। तो इसमें केवल रेडियस ही होता है, गिवन इन अ स्फीयर, इन अ स्फीयर। अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 225, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट में रेडियस कितना दिया है बेटा, 10.5 सेंटीमीटर। गिवन इन स्फीयर रेडियस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, एंड फाइंड करना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसको कवर करने के लिए कुछ भी अगर रिक्वायर्ड मटेरियल लगाते तो कितना चाहिएगा, फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। पी नहीं लिखा, ठीक है। फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², केवल रेडियस की वैल्यू लिखना है और सॉल्यूशन क्या है, 4 × 22/7 × r इज 10.5² देन 4 × 22/7 × 10.5 cm × 10.5 cm 21 What 21? We remove the decimal. Decimal ka 1 or even digit ka 1 0. Now see please. 7 × 7, 7 × 7, remaining 3, 7 × 5 are 35. Right? Yes, sir. Above 5 second. 5 3 are 15 or 5 to ja 8. 2 1 ja 10. 2 2 ja 4. अब अगर मैं यहाँ पर डेसिमल यूज करूंगा अगेन 10 आएगा, है ना, तो कैंसिल कर सकते हैं, अभी कैंसिल हो जाएगा। आई अगेन रिमूव द डेसिमल, 1 और 1 डिजिट है, चलते अब 5 को जा 10, 5 को जा 10 एंड 5 बन जा एंड 2 बन जा 2 एंड 2 बन जा, नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 22 3 एंड 21 और ये सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं तीनों का मल्टीप्लाई करके, तो लास्ट स्टेप लिख देता हूं, उधर एक सम आ जाएगा अपना, ओके बेटा। देन सरफेस एरिया, ये स्टेप आपकी चली रही है, सरफेस एरिया स्फीयर, लास्ट आंसर आ रहा आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई आपको करना है और जितना भी आएगा वो इसका सरफेस एरिया होगा।
समझ में आया? और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर होगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ओके, 2 3 6 एंड 6 1 6 यूनिट डिजिट से मैंने टेली करवा दिया आपको, आ गया समझ में? यूनिट डिजिट से टेली करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप पढ़ेंगे सी द बुक, फाइंड द सरफेस एरियाज हुज सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में आपको बी वन है, इन अ स्फीयर, पहले नेम ऑफ शेप जरूर लिखे कि आप बात किस शेप में कर रहे हैं, ये मेंशन होना बहुत जरूरी है। एंड गिवन डायमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर रेडियस विल बी डायमीटर डिवाइड बाय 2, मींस 14 डिवाइड बाय 2, 2 × 2 = 2, 7 × 14 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्या आया बेटा, रेडियस। एंड नाउ फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सो फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr² मीन्स 4 × 22/7 × 7 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू 7 × 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 = 7. नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, जल्दी कीजिए मल्टीप्लाई करो, 22 × 4 = 88 × 7 तो 8 × 7 = 56 का 6 कैरी 5, अगेन 7 × 56 + 5 = 616 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी आर रीडिंग, प्लीज सी द बुक। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अभी हम पाई की वैल्यू 22/7 लिख रहे थे, इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लिखना है, लेकिन द मेन डिफरेंस इज दैट अभी हम हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे और अब हमें जो सरफेस एरिया फाइंड करना है वो इस स्फीयर का, अभी हम काय का सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे स्फीयर का, और अब जो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे स्फीयर, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया और ऊपर का पार्ट जब हम हटा देंगे तो ये बन गया आपका हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोलाकार आकृति, आ गया समझ में? हाँ, दिख रहा है आपको, एंड दिस इज द रेडियस, और आपको कितना दिया है रेडियस, then given in a hemisphere, given in a hemisphere, अब आपको एक हेमिस्फेयर दिया है और इसमें देखेंगे हम, इन अ हेमिस्फेयर ऊपर भी तो एक सर्कल बन रहा है, समझ में आया?
तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो होगा पाई 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ओवर एड होगा जो ये के जो कि ये ऊपर वाला हिस्सा होगा और ये नीचे वाला हिस्सा ये तो है 2 पाई आर स्क्वायर और ये है पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 3 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्यों बना 3 पाई आर स्क्वायर आपको अब समझ में आ गया कि हमने 3 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया इस फार्मूले में हेमिस्फीयर है आधा तो 4 का आधा 2 होना चाहिए था तो 3 क्यों आ रहा है वेरी क्लियर पूरी क्लास को समझ में आया शाबाश बस अब कुछ भी नहीं करना है फार्मूले में वैल्यू पुट अप करना है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हाँ टोटल सरफेस एरिया शाबाश ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्योंकि टोटल में ऊपर का कवर इंक्लूड होगा अगर केवल सरफेस एरिया देखा तो फिर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ही आएगा दैट्स पॉइंट वेरी गुड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर तो हमने ऊपर का सर्कल ऐड कर लिया टोटल में और अगर ओनली सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर एंड दिस स्टेटमेंट विल बी सेम इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू एंड नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर इज 10 तो 10 का स्क्वायर देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर सेंटीमीटर अब हम क्या करेंगे पहले 3 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे देखिए अब मैं आपको बहुत इजी स्टेप बता रहा हूं ये चीजें आपको याद होना चाहिए 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 1 जा 3 प्लस 1 3 3 जा 9 और 100 का भी मल्टीप्लाई करना है तो 20 अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल है आफ्टर 2 डिजिट वी हैव टू टेक डेसिमल अगर हम चाहते तो यहां डेसिमल टेकू करते हैं 500 आता और 20 से 20 भी कैंसिल हो जाता होता ना पर मैंने आपको ये मल्टीप्लाई करके बताया कि कभी इस कंडीशन आए कि कैंसिल नहीं हो रहा तो आपको ये टेक्निक आना चाहिए तो अब हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 942 स्क्वायर सेंटीमीटर पूरी क्लास को समझ में आया Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं अभी अपन उसका सॉल्यूशन करते हैं पूरी क्लास को समझ में आ गया Yes, sir. कोई डाउट नहीं है Yes, sir. पक्का ओके Yes, sir. अब आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं और पहले दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शुरू में आपने ले ही लिया होगा थैंक यू वेरी मच और इस तरह से इस पूरी एक्सरसाइज को आपको करना है इसमें एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ अभी चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 और बता देता हूँ ये रफ करके ओके बेटा फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सम यू शुड डू इट क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेते हैं हम चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़िएगा स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज कम इनटू इट Who will be explain the question? Anyone? You didn't know the English, beta? You did not take out the meaning of the question. Shabash, very good. You are the student of 9th class. If you will not take out the meaning of the statement, how you will solve the sum in the examination? You will be unable to solve it if you can't take out the meaning. Okay, no problem. Come on. सर एक 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 बलून है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और उसमें पंप से हवा भर रहे तो वो 14 सेंटीमीटर का हो रहा है तो हमने वो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया उसका सी हां यू ट्राई बेस्ट ऑन योर लेवल द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज
air is being pumped into it. मतलब क्या है कि एक बलून है, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, रेडियस शुरू में उसका बलून का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, फिर उसमें हवा भर दी तो उसका रेडियस कितना हो गया, 7 से 14 सेंटीमीटर. अब फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केसेस, इन दोनों केसेस में उस बैलून का सरफेस एरिया फाइंड करना है. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, गिवन में आप पूरा लिखेंगे. आर वन वाज 7 सेंटीमीटर आफ्टर इंक्रीजिंग. आर टू रेडियस टू हो गया, कितना हो गया, फाइंड करना है द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बलून, यही फाइंड करना है. यस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केस, इन टू केस, तो दोनों केस में हम फाइंड कर लेते हैं उसका रेशो ही होगा. यस सर, तो सरफेस एरिया ऑफ बलून डबल ओ है क्या, डबल ए डबल ओ, इन स्टार्टिंग होल डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ बलून After increasing, got it? 4 pi r1 square divided by 4 pi r2 square. ध्यान रखिए इसको r1 और r2 लिखना जरूरी है. अगर केवल आपने r r लिख दिया तो ये ऐसे ही कैंसिल होता जैसे अभी हम कर रहे हैं, 4 बन जा 4 pi बन जा pi. तो r से r भी कैंसिल हो जाता, कुछ भी नहीं बचता. तो R1 और R2 का मतलब ये है कि ये दोनों डिफरेंट हैं. और अब R1 की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर अपॉन 14 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, एंड इट विल बिकम 7 7 49. और हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर अपॉन 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. दोनों पे से स्क्वायर बन गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर के लिए 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. तो अब इन दोनों का जो ये एसी सिस्टम की लीजिएगा, इनका जो रेशो आ गया वो क्या आ गया, 1:4. पहले का सरफेस एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो दूसरे का फोर्स, ये 1 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है इस रेशो में, पहले वाले से उसका 4 गुना ज्यादा रहेगा दूसरे वाले का सरफेस एरिया. 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नहीं बता रहा है, जो भी उनका आएगा ना सरफेस एरिया, तो हमने कैंसिल कर दिया आंसर वाला है, तो रेशो में आया है कि उन दोनों का जो रेशो है इसको ऐसा लिख सकते हैं आर 1:4, 1:4. वो रेशो में भी लिखी हमने, कैंसिल हो चुकी, वो तो उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद स्क्वायर सेंटीमीटर में. ओके, थैंक यू वेरी मच. टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.5. थैंक यू वेरी मच बेटा, ये नोट कर लें, अभी स्क्रीनशॉट लेना पूरा आ रहा है ठीक. थैंक यू.